हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज 13.2 जो है ना हम सोल्व करेंगे। इसको हम बताएंगे कैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो इसमें ये जो है ना अब चलेगा सिलेंडर का है, ये वो पहले वाला जो है ना क्यूबॉइड था और ये अब सिलेंडर का है। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें डायमीटर जो है ना फाइंड करना है सिलेंडर का, ठीक है। तो अब हम इसमें जो गिवन चीज़ होता है वो जो है ना हम लिख लेते हैं। इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर दिया हुआ है आपका जो है ना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और हाइट आपका जो है ना गिवन है 14 सेंटीमीटर। यूनिट सेम है इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था 2πRh, वो वाले लिखने हैं। ये 88 है गिवन, अब इसको सॉल्व करने हैं। 2 × π की वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, एक्सरसाइज के ऊपर ही दिया रहता है पाई का वैल्यू 22/7, और पाई का वैल्यू अगर 3.14 दे रखा है तो वो वाले ही यूज करने हैं, और जो गिवन है वही यूज करने हैं। और गिवन नहीं है 3.14 तो पाई का वैल्यू 22/7 यूज करने हैं। तो 22/7 आर आपका नहीं दिया हुआ है तो आर ऐसे ही लिख लेना। हाइट आपका दिया हुआ है 14 तो ये लिख लेना इक्वल टू 88। 7 से ये जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब जो आपका बचता है 2 × 22 × 2 बचता है और × r बचता है इक्वल टू 88, ठीक है। तो आइए सारे चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इसलिए ये जो है ना चला जाएगा कहाँ, डिवाइड में चला जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो आप देख रहे हो कि इसे आप काटोगे इसको तो ये 44 हो जाएगा, इससे आप कैंसिल आउट करोगे 22 हो जाएगा और 20 × 22 कट के 1 हो जाएगा। तो आर आपका कितना आ गया भाई, 1 सेंटीमीटर। आपको निकालना है डायमीटर यानी डी निकालना है। डी इक्वल टू होता है 2r, हमने लिखा हुआ फार्मूला 2 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आपका जो है ना आंसर हो गया। और नीचे जो है ना आप आंसर लिख देना, देयरफॉर द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, ये जरूर आप लिखना। नहीं लिखोगे तो आधा नंबर कट जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है उनके अंदर सारे में जो है ना लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, इसमें आप जो है ना सेकेंड क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लेना। आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट भी है, ये 4 नंबर का आता है और ये बड़ा भी है। हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है तो ये हाइट हो गया आपका 77 सेंटीमीटर। ये सब सिलेंडर ही है, ये ध्यान रखना है, सिलेंडर में काम कर रहे हैं हम। इसमें इनर डायमीटर दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर इनर है। इसको हम R1 लेट कर लेते हैं, फॉर्मूला D/2 होता है। तो ये 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गया इनर कैंसिल आउट करके। आउटर डायमीटर दिया हुआ है, आउटर डायमीटर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। इसका R2 निकाल लेना, इसको R2 से नाम दे देना, ये भी D/2 होता है। तो ये 4.4/2 में से 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर करके, ठीक है। अब इसमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो हम इनर कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं फर्स्ट का। इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फॉर्मूला वही होता है 2πRh। तो इसमें R1h लिखना, R1h क्योंकि R1 का निकाल रहे हो आप। तो अब यहाँ लिखो 2 × 22/7 है और R1 आपका कितना 2 है और हाइट आपका कितना दिया हुआ है 77। इसको 7 से इसको 77 को काटोगे 11 बार में कट जाएगा और इस सारे को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 968 आएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है ना फर्स्ट का इनर का हो गया। अब हम आउटर का निकालते हैं, इसका आउटर का निकालते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका,
आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही है, तो इसका फॉर्मूला लिखना 2π r2h, तो ये 2 रहेगा, 22/7 तो होगा ही, इसमें r2 जो दिया हुआ 2.2 दिया हुआ, हाइट वही 77 लेना है, ये 77 11 से जो है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका होगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ले थर्ड में जो है ना, थर्ड में आपको जो निकालना है टोटल जो है ना इसका निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है पाइप का, तो ये आप देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप जो आपको निकालना है, पाइप सिलेंड्रिकल है तो इसमें जो होगा पहले जो है ना इनर लगेगा, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये प्लस प्लस इसमें लगेगा दो, इसमें जो सिलेंडर है आपका ऐसा सिलेंडर है ये देख रहे हो, इसमें जो है ना ये वाले चीज़ का भी लगेगा और ये वाले चीज़ का भी लगेगा, तो दो हो गया ना, तो ये इसमें क्रॉस सेक्शन है यानी कि दो इसमें लगा हुआ है, हाँ दो दो बने हुए हैं, तो इसमें एक एक छोटा है और एक जो है ना बड़ा है, यहाँ से एक यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है, ये आर वन है, ये आर टू है, तो ये आर टू को आर वन में से माइनस करोगे ना तब ये आएगा, तो यहाँ पर लिखोगे टू एरिया, क्या एक यहाँ का और एक यहाँ का, इसलिए हमने टू लगा दिया इसमें, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ पाइप ये लगेगा, तो इनर का तो आपको हमने ये पहले हमने निकाल ही लिया था कि 968 होता है तो वो हम लिख देंगे, आउटर का हमने निकाल लिया था 1064.8 तो वो लिख देंगे, प्लस इसका जो है ना फॉर्मूला लिखेंगे टू, इसका एक का जो फॉर्मूला होता है बेस एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये अब दो है तो इसमें हो जाएगा 2π हो जाएगा, और आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर करना है, ठीक है, इन सब को जो है ना प्लस कर दीजिए तो ये आपका आता है 2032.8 प्लस, अब इसमें वैल्यू डालने हैं 2 × 22/7 और आर टू आपका है 2.2 का होल स्क्वायर और माइनस ना ये 2 का होल स्क्वायर है, अब इसको ना सोल्व करना है तो इसको हम सोल्व कर तो देखते हैं हम कि कितना होता है सोल्व करके, तो ये आपका आता है 2032 × 8 + 2 × 22/7, इसको 2.2 को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4.84 होगा और माइनस 4 हो जाएगा, अब इसको माइनस कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7 माइनस करने पर 0.84 होता है, इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे 100 लगा करके 7 से तो ये 12/7 जो होता है 84, अब फिर इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल शिफ्ट कर देना प्लस, ये सारे को मल्टीप्लाई करके दो डिजिट के बाद ना डेसिमल शिफ्ट कर देना और ये हो जाएगा 5.28, अब इसको प्लस करने पर ये आपका हो जाता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फाइनल आंसर है इस, अब नीचे जो है ना आपको आंसर लिख देना है कि देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को आप जो है ना सॉल्व करो और जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये समझ में नहीं आया तो फिर हम उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा करके हम बता देंगे, और बाकी सब जो है ना हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, वहाँ से जो है ना आप इसको देख करके आप जो है ना सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में इसकी चर्चा करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।